किसी भी क्षेत्र की हस्तकला उस क्षेत्र की लोक संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करती है। हस्तकला वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली कला है, लेकिन पारंपरिक तरीके से चलने वाली यह प्रक्रिया कुछ वर्षों से देखा जाए तो धीमी पड़ी है, और धीरे धीरे इनसे जुड़े लोग इस काम को छोड़ दूसरे कामों की ओर रुचि ले रहे हैं। इसी बात से दुखी सतना के कैलाश ने लोक कला को जीवित रखने के लिए, इसे जानने समझने और इस कला को फायदे का सौदा बनाने के लिए प्रयास शुरू किया, ताकि इस कला को संजोया भी जा सके और इससे जुड़े लोगों को लाभ भी पहुंचाया जा सके। जिसके लिए कैलाश ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नानाजी देशमुख के साथ मिलकर इस पर शोध कार्य शुरू किया और बैम्बू आर्ट, गोंडी पेंटिंग में हस्तकला से आकर्षक वस्तुएं तैयार करना शुरू किया। कैलाश ने बताया कि नानाजी देशमुख का कहना था कि हम अपने साथ साथ ग्रामीणों के विकास पर भी ध्यान दें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। इसीलिए उन्होंने 35 लोगों का एक समूह तैयार किया, जिसमें गोंडी पेंटिंग, बैम्बू आर्ट, अगरिया आर्ट, बैम्बू ज्वेलरी सहित कई तरह के आर्ट पे काम शुरू किया गया और आसानी से मार्केट मुहैया करवाया गया, ताकि लोग उन सामग्रियों को बेच सकें और अपनी आजीविका चला सकें। मेरा नाम कैलाश वर्मा है और मैं मझगांवा जिला सतना मध्य प्रदेश से हूँ, और ये बाम्बू आर्ट में हमको 30 साल से काम करते हुए गया। मैं पहले चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में नानाजी के देशमुख के साथ में काम किया, और उनका कहना था कि ये हम नौकरी करेंगे तो नौकरी में क्या है, मतलब गांव के लोगों को विकास हो इस तरह से ऐसे काम करना चाहिए समाज के लिए। तो हमने इसमें गहन ध्यान करके पूरे देश में घूमा और ये भी हम अपने मझगांवा में ये पूरी CFC बनाया है, जिसमें हमारे साथ महिलाएँ और बच्चे बाम्बू में, क्राफ्ट में, ज्वेलरी में, फर्नीचर में काम कर रहे हैं। करीबन हमारे साथ 30 से 35 लड़के और महिलाएं हैं काम कर रही हैं, जिसमें हम उनको 9,000 से लेकर रहना खाना से लेकर 30,000 रुपये तक मंथली देते हैं, और अलग अलग साइड में हमारे काम चलते हैं, जैसे भोपाल है, इंदौर है, अभी सतना में चल रहा है। कौन कौन से आर्ट हैं यहाँ पे और इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। हमारे यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ बनाती हैं, जो अगरिया आर्ट है, लोहे का सामान बनता है, अगर ये आर्ट ही कहलाता है, तो ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह की बनाती हैं। और एक गोड़ी पेंटिंग है, गोड़ी पेंटिंग भी महिलाएं बनाती हैं स्वयं सहायता समूह की, और मार्केटिंग भी महिलाएं करती हैं। अच्छा, आप महीने में इसका टर्नओवर कितना है और ये कैसे काम करता है? ये हम जैसे आजीविका मिशन के माध्यम से मेले, हाट बाज़ार होते हैं, उनमें हमारी महिलाएँ जाती हैं सामान ले कर और हम भी चले जाते हैं, जैसे भोपाल हाट हो गया, दिल्ली हाट हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरह बंगलौर हो गया, ग्वालियर हो गया, ऐसे मेलों में हर महीने हमारे मेले लगे रहते हैं। तो आजीविका के माध्यम से महिलाएं मेले में जाती हैं, तो ये बिक्री करके आता है, तो इसका जो पैसा होता है तो महिलाओं को मिलता है। तो हर महिला 15,000, 10,000, 18,000, 20,000 मंथली वो कमा लेती हैं इस आर्ट से। इस समूह को आपने चालू किया था? जी, ये समूह मैंने काफ़ी दिन पहले, जब शासन की डोवाकरा योजना चलती थी, उसमें हमने समूह बनाया था, माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह। इसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार बना, फिर इसके बाद आजीविका मिशन में अभी सब महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं, जिसमें 30 से 40 महिलाएं और बच्चे काम कर रहे हैं।